अगर आप भी टीम इंडिया के साथ हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। जी हाँ, टीआरएस विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 187 रनों का टारगेट दिया। वैड और मैक्सवेल की 50 हुई कंप्लीट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 में 11 रन और दूसरे में 6 विकेट से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 की सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 187 रनों का टारगेट दिया। मैथ्यू वैड और ग्लेन मैक्सवेल ने 50 लगाई। मैच में भारतीय कप्तान विराट और वैड ने डीआरएस विवाद भी देखने को सामने लाया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट गवाकर 186 रन बनाए। वैड ने 53 बॉल पर 80 और मैक्सवेल ने 36 बॉल पर 54 रनों की पारी खेली। वैड ने T20 इंटरनेशनल करियर की तीसरी और मैक्सवेल ने 8वीं 50 कंप्लीट की। वॉशिंगटन और फिंच स्मिथ को आउट किया। कोहली और वैड के बीच डीआरएस विवाद सामने आया और स्टेडियम में 100% फैंस को अनुमति मिल गई। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 100% फैंस को एंट्री देने की अनुमति भी दे दी। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में दूसरी सीरीज क्लीन स्वीप करने का मौका मिला। भारत 2008 से ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज नहीं हारा है। भारत के पास लगातार तीसरी सीरीज में क्लीन स्वीप का मौका भी रहा। दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये क्रिकेट से जुड़ी आंखों देखी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।